फोर में समय और कार्यशील टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जिनको हम सार ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर एक जी आ रहा है कि बी किसी काम को एक निश्चित समय में कर सकता है जबकि ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 भाग में आधा काम कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा या खत्म करेगा यदि वे दोनों उस काम को 36 दिन में करते। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। हम बी के विषय में बोला गया, हमने मान लिया कि इनकी क्षमता है कि ये एक समय में एक काम करते हैं, एक समय में एक काम करते हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि एक समय में दो काम करते हैं क्योंकि मानने की कोई सीमा नहीं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने ये मान लिया कि एक समय में एक काम करते हैं, जबकि ए के लिए बोला गया है कि ए के लिए ये बोला गया है जबकि ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4, तो एक का 3/4 कितना होता है, एक का 3/4 होता है। ये फायदा है एक मानने का कि भैया एक 3/4 समय में, बी के 3/4 समय में ए कितना काम करता है, आधा काम करता है। ये अगर एक करता है तो ये कितना करता है, आधा करता है। तो अगर ये 3/4 समय में आधा काम करता है तो देख लीजिए ए एक समय में कितना काम करेगा, ए एक समय में कितना काम करेगा, ये 4/3 रिवर्स होकर जाएगा इक्वल में, तो हो जाएगा भैया 4/3 गुणे 1/2, ये 2 से 2 कटा, तो ये कितना करेगा, 2/3 काम करेगा। और हमने आपको बताया था कि काम का जो सीधा रिलेशन होता है, काम का सीधा जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, पावर से होता है। तो यहाँ पे ए और बी के विषय में देखा जाए तो ए एक समय में एक काम करता है, बी एक समय में एक काम करता है और ए एक समय में कितना करता है, 2/3 काम। तो ये एक समय में एक काम करता है और ये करता है 2/3 काम। तो काम का रेशियो ही पावर को बताता है कि वो काम आदमी उतना ही करेगा जितनी उसकी क्षमता होगी। तो इसको भैया 3 हटाने के लिए दोनों में हम 3 से गुणा मार लें तो एक रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा 3:2 का, अर्थात इनकी क्षमता 3 होगी, इनकी क्षमता 2 होगी, इनके पावर्स में रेशियो बन जाएगा 3:2 का। तो एक क्षमता बराबर एक आदमी मानते हैं, तो 3 आदमी यहाँ पे थे और 2 आदमी यहाँ पे थे, तो आदमी कितने हो जाएंगे, 5। अब 5% अगर करते हैं मिलके 36 दिन में, दोनों करते हैं 36 दिन में, तो 1% करेगा 36×5=180, क्योंकि एक क्षमता बराबर एक आदमी मानते हैं, तो एक आदमी करेगा 180 दिन में। तो हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी के पास तो 2 ही आदमी है, अगर एक आदमी करता है 180 दिन में तो 2 आदमी करेंगे 90 दिन में, अर्थात हमारा आंसर आ चुका है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 90 दिन में करेगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला यह गया है कि ए बी सी को 5,290 रुपये में एक काम करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 काम करते हैं और बी और सी मिलकर 8/23 काम करते हैं, तो ए का भुगतान बताना है। किसी का भी भुगतान पूछ सकता है, ए बी सी में किसी का भुगतान पूछ सकता है। 5,290 रुपये में हमने ए बी सी को काम पर लगा दिया है और इसमें यह बोला गया है कि ए और बी काम का जो करते हैं तो 19/23 भाग करते हैं, जबकि बी और सी काम का 8/23 भाग करते हैं। तो बताना है कि उसमें ए का भुगतान बताना है कि ए का भुगतान क्या है। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में जो डिनोमिनेटर हर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू का मान होता है, अर्थात मेरे पास टोटल 23 काम था, 23 काम में ए और बी ने 19 काम किया है और बी और सी ने 8 काम किया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 23, और टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल पैसे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए बी और यहाँ पे जोड़ेंगे तो बी सी, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए बी, यहाँ पे जोड़ेंगे बी सी, 23 में इन्होंने 19 काम किया है ए और बी ने, और बी सी ने 8 काम किया है, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 में 8 जोड़ दीजिए तो 19×8 आपका हो जाएगा 27, अर्थात यहाँ पे बी एक्स्ट्रा हो जाने से 23 से काम कितना बढ़ जाता है, बी के एक्स्ट्रा हो जाने से काम कितना बढ़ जाता है, हमारा 4 काम बढ़ जाता है, अर्थात बी कितना काम करता होगा, 4 काम करता होगा। अगर यहाँ पे बी 4 काम करता होगा तो ए बी सी करते हैं 23 काम, और यहाँ पे एक बी एक्स्ट्रा हो जाता है तो 27 हो जाता है, 23 में 4 27 4 बढ़ जाता है, अर्थात यहाँ पे हमारा बी 4 काम करता है, तो बी अगर 4 काम करता है तो यहाँ पे ए बी ने किया कितना था, 23 में 19, तो 23 में 19 किया था जिसमें बी कितना कर रहा था, 4, तो जो 15 बच रहा था वो कौन कर रहा था, ए कर रहा था, अर्थात ए को 15 रेशियो का पैसा मिलेगा, तो 23 रेशियो का पूरा पैसा कितना दिया है, 5,290। तो ये कटेगा 23 दूनी 46
और हासिल आपके लगे 6 23 69 तो 1:230 रुपए, तो 15:15 कितना हो जाएगा, 230 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 15 45 और 15 2 30 और 30 4 आपका हो जाएगा 34, अर्थात एक हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 3450 रुपए आएंगे। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के काम के लिए 4000 रुपये कमाता है और अतिरिक्त, मतलब 50 घंटे के जो अतिरिक्त होगा उसके समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 5200 रुपये कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे पूछना चाहिए कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं जो भी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि एक सप्ताह में पहले 50 घंटे अगर काम करता है तो हम उसे 4000 की पेमेंट देते हैं। अगर 50 घंटे में हम 4000 की पेमेंट देते हैं तो हर घंटे की पेमेंट आ जाएगी, हर घंटे की पेमेंट आ जाएगी 80 रुपये। हमने कहा कि अगर सप्ताह में ओवर ड्यूटी करेंगे, 50 घंटे काम करेंगे तो हम 4000 देंगे, मतलब 80 रुपये प्रति घंटे हम पेमेंट देंगे। लेकिन अगर ओवर ड्यूटी करोगे तो हम 1.5 गुना पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ 80 का 1.5 गुना कितना होता है, 80 का 1.5 गुना 120 होता है, अर्थात ओवर ड्यूटी पर 120 रुपये पर घंटा मिलेंगे। अब वो कहता है कि मुझको 5200 रुपये सप्ताह में कमाने हैं, तो 4000 रुपये में तो ये चलती है स्कीम कि 4000 रुपये अगर कमाने हैं आपको तो 50 घंटे काम करना पड़ता है और 80 रुपये मिलते हैं। अगर 5200 कमाने तो आपको 1200 रुपये अतिरिक्त चाहिए, तो 1200 रुपये जो अतिरिक्त चाहिए तो अतिरिक्त में आपको 120 रुपये मिलेगा, क्योंकि 1.5 गुना पेमेंट मिलेगी। तो भैया हर घंटे अगर 120 मिलेगा तो 1200 एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको 10 घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उससे अतिरिक्त कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो अतिरिक्त उसे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। देखते हैं स्टूडेंट वर्क एंड टाइम का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर टी दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस काम को T+5 डेज में पूरा करता हो तथा बी अकेला इसी काम को T+45 डेज में पूरा करता हो तो टी का मान बताइए। अर्थात ये कहना चाहता है कि ए उस काम को T+5 डेज में करता है, बी उस काम को T+45 डेज में करता है और दोनों मिलकर उस काम को टी डेज में करते हैं, तो टी का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन पे होता क्या है कि कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर उस काम को अगर टी दिन में करते, अपनी लैंग्वेज से हम समझा रहे हैं कि ए और बी मिलकर उस काम को अगर टी दिन में करते तो अकेला ए उसे करने में आपका 5 दिन ज़्यादा लेता है और अकेला बी उसे करने में 45 दिन ज़्यादा लेता है। तो एक हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, तो इसको अगर हम एक्स्ट्रा दिन पी मान लें और एक्स्ट्रा दिन क्यू मान लें, तो एक फार्मूला ये बनता है कि ए और बी मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे तो हो जाएगा, इसका सीधा फार्मूला होता है अंडर रूट पी क्यू, जो बेसिक से निकल के आता है, श्रीधराचार्य का फार्मूला इसमें लग जाएगा बेसिक से करने में, कि ये करेगा 1/T+5 दिन में, ये करेगा 1/1 दिन में, करेगा 1/T+45 काम, ये करेगा 1/T, तो बेसिक से सॉल्व करने पे यही आपका श्रीधराचार्य से आएगा। तो वैल्यू आपकी सीधे सीधे निकल जाएगी कि यहाँ पे ए और बी मिलकर उस काम को अंडर रूट पी क्यू दिन में करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन पी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन क्यू है, तो यहाँ पे सीधा हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा 45 × 5, तो 45 × 5 = 225, तो सीधा बाहर के आ गया 15, अर्थात यहाँ पे दोनों मिलकर ए और बी मिलकर अर्थात टी का मान सीधा कितना आ गया 45, अर्थात दोनों मिलकर उस कार्य को 45 दिन में करेंगे तो टी का मान कितना आ गया 45। अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। नए नए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और नए नए अपडेट्स जो भी होंगे आपको इसी प्रकार देते रहेंगे।